बंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री मधुसूदन दास, वो ठाकुर जी के बारे में लिखते हैं। मेरे ठाकुर, बात सन 1965 की है, जब मैं छपरा बिहार में पीएससी ऑनर्स का छात्र था। छात्र कम अछात्र ज़्यादा, शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक दोस्तों के साथ घूमता रहता था। उस समय मैं अपने सर जगदीश लाल कर्ण HOD मैथ्स के साथ व उनके भतीजे शिव कुमार जी के साथ रहता था। मेरे मकान से कुछ ही दूरी पर हमारे गांव के सतीश चंद्र दास SPR रहते थे, जिनके घर पर मैं अक्सर जाया करता था। उन्होंने मुझे ठाकुर जी के संबंध में 2 किताबें पढ़ने को दीं। पहला एन ओशन इन ए टी कप बाय हाउजर मैंदा, दूसरा हु डो द रिवॉल्यूशन बाय जनार्दन मुखर्जी। मैं इन किताबों से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपने सतीश भैया से कहा कि मैं ठाकुर जी को ग्रहण करना चाहता हूँ। उस समय मेरी आयु 18 वर्ष थी। सतीश भैया पहले ऋत्विक नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऋत्विक दादा को बुलाना पड़ेगा। 2 महीने बाद श्री गोपेंद्र नारायण मलिक SPR द्वारा मुझे और मेरे प्रोफेसर साहब कर्ण जी तथा उनके भतीजे शिव कुमार जी की दीक्षा हुई। उस समय ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। मैं 1 या 2 दिन इष्टवृत्ति करके सब कुछ छोड़ दिया था। 4-5 महीने बाद मैं सतीश भैया के घर गया तो उन्होंने मुझसे ठाकुर जी व इष्टवृत्ति के बारे में पूछा तो मैंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे देवघर आश्रम जाने की सलाह दी। मैं छपरा से देवघर पहुंचा, जो 8-10 घंटे का रास्ता था, तथा ठाकुर जी एवं सत्संग के बारे में पूछा तो पंडा लोग कुछ बताने को तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से ठाकुर बंगला पहुंचा। अक्टूबर का उत्सव था, 10,000 से 20,000 लोग उपस्थित थे। मैंने दूर से ठाकुर जी को देखा। मैंने मन में सोचा, अगर ठाकुर जी भगवान होंगे तो किसी भी तरफ से देख लेंगे। मैं चारों तरफ घूमकर ठाकुर जी को देखता था। चारों तरफ ठाकुर जी दिख रहे थे। मैंने सोचा, ठाकुर जी खड़े हो जाते तो मैं पूर्ण रूप से दर्शन कर लेता। कुछ ही क्षण पश्चात वे लोग ठाकुर जी को खड़ा कर रहे थे। मैंने इतना लंबा पूर्ण रूपेण गौर वर्ण शरीर कभी नहीं देखा था। मेरे रोम रोम प्रफुल्लित हो गए और मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मैं 1-2 दिन आश्रम में रहा और ठाकुर जी को देखता रहता था। इसके बाद तो मैं प्रत्येक सप्ताह शनिवार को छपरा से ट्रेन द्वारा बरौनी आता तथा ऋतिक श्री रामानुज प्रसाद सिंह के घर में भोजन कर हेड TT रेलवे उनके साथ आश्रम जाकर ठाकुर जी का दर्शन करके पुनः रविवार को रात में चलकर छपरा आ जाता था। इस प्रकार मैंने अपना इष्टवृत्ति व यजन याजन शुरू कर दिया। बात सन 1968 की है। मैं अपने माता जी और भाई बहनों के साथ सिंहेश्वर बिहार से बलौर आया था। गांव में हमारे कुल देवी का पूजन जून के महीने में होता था। मेरे पिताजी सिंहेश्वर में ही थे, जहां मेरी खेती थी। कुल देवी के पूजनोपरांत हम लोग पुनः सिंहेश्वर जाने वाले थे। एक दिन मेरी माँ को हैजा हो गया। गांव में उन दिनों हैजा का प्रकोप था। मैं डॉक्टर की खोज में निकला। गांव में एक ही डॉक्टर था जो वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूर दूसरे गांव गया हुआ था। मैं निराश होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे ठाकुर जी का नाम करने लगा और रोने लगा कि माँ मेरी नहीं बच पाएगी। 5-10 मिनट नाम करने के पश्चात देखता हूँ कि वही डॉक्टर साहब साइकिल से मेरे ओर आ रहे हैं। मैंने उन्हें माँ की बात बताई। वे मुझे साइकिल पर बिठा कर मेरे घर की ओर ले गए। स्लाइन का बोतल चढ़ाया जाने लगा। माताजी को होश आने लगा। इस प्रकार मेरी माँ श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से बच गई। मैं रात भर सो न सका। सुबह आँख लग गई एवं प्रातः 9 बजे उठा। उस समय मैं नहा धोकर ही इष्टवृत्ति करता था। शायद ऐसा ही निर्देश था। मैं अपने कपड़े वगैरह लेकर नहाने चला गया। बरसात का मौसम था। मेरी इच्छा तैरने की हुई, मैं तैरने लगा। तालाब के बीच में एक मोटा लकड़ी का डंडा खोद कर लगा दिया जाता था ताकि लोग वहां जाकर विश्राम कर लें, परंतु दुर्भाग्यवश वह डंडा अधिक बरसात के कारण डूब गया था। मैं उस डंडे के खोज में चारों ओर घूमकर थक गया था
और पहनी हुई धोती मेरे पैरों में लिपट गई। मैं डूबने लगा और एक क्षण ऐसा आया कि मैं डूब गया। पानी मेरे मुंह तक आ पहुंचा। मैंने सोचा कि अब मैं डूबकर मर जाऊंगा। इस बीच मैंने किनारे खड़े घर के लोगों को कितना हाथ दिखाया, कोई मेरी मदद करने नहीं आया। अंत में मुझे जब लगा कि मैं डूबकर मर जाऊंगा, तब मेरे दिमाग में एक बात याद आई, मैंने जीवन में क्या अच्छा कार्य किया, और वह अच्छा कार्य था ठाकुर जी का नाम लिया। मेरे मन में एक या दो सेकंड के लिए नाम का उच्चारण हुआ। देखता हूं कि एक लड़का बड़ा सा बांस मेरी ओर बढ़ा दिया और उनको पकड़कर मैं किनारे आ गया और मेरी जान बच गई। यह है ठाकुर जी के नाम का प्रभाव। मैं उस दिन से सवेरे उठकर पहले इष्टवृत्ति करता, बाद में नहाता धोता। बात सन 1968 के दिसंबर महीने की थी। मैं अपने खेती वाले गांव सिंहेश्वर में था। इष्टवृत्ति के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वहां अनाज होता था जिसको बेचकर पैसे मिलते थे। मैंने अपनी माँ से यह बात कही, तब माँ ने मुझे कुछ धान देकर बेचकर लाने को कहा। मैं धान बेचकर पैसे लेकर पूरा इष्टवृत्ति किया। उसी दिन मेरा BSc फाइनल का रिजल्ट आया और मैं पास हो गया। बात सन 1969 के जनवरी महीने की है। हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी का परलोक गमन हो गया। मेरे पास आश्रम से सूचना आई, फिर भी चाहकर भी मैं अपने प्रियतम की अंतिम यात्रा में न पहुंच सका। बात सन 1970 की है। मैं अपने मौसा जी जो समस्तीपुर में रहते हैं के पास नौकरी खोजने और शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग का कोर्स सीखने के लिए आया था। समस्तीपुर में मौसा जी के यहाँ नियमित रूप से इष्टवृत्ति करता था। वहाँ के लोग हमारी व ठाकुर जी की आलोचना करते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रहा था। शाम का समय था। मुझे जय राधे राधे की ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं उसी ओर जाने लगा। वहाँ पहुंचकर मालूम पड़ा वहाँ सत्संग हो रहा था। मैं नियमित रूप से समस्तीपुर सत्संग जाने लगा। बात सन 1971 की है। मुझे दैनिक समाचार पेपर द्वारा मालूम पड़ा कि जहानाबाद में कॉलेज के लिए एक डेमोन्स्ट्रेटर की आवश्यकता है। मुझे अपने मामा जी जो कि वहाँ प्रोफेसर थे द्वारा नौकरी मिलने की संभावना थी। मैं समस्तीपुर छोड़कर जहानाबाद चला गया। वहाँ मेरी नौकरी कॉलेज में न लगकर जनगणना विभाग भारत सरकार में लग गई। मैं प्रभु का धन्यवाद किया। मेरे सत्संग जाने का यह नतीजा था जो कि मैं समस्तीपुर जाया करता था। मैं जॉब में रहते हुए 1971 के मई महीने में आश्रम गया। आश्रम जाकर मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता था, परंतु दुर्भाग्यवश ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हमारी परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा का परलोक गमन हो गया। उस समय मैं आश्रम में ही था और श्री वर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। बात सन 1971 के जून महीने की है। मेरी शादी हो चुकी थी। मैं पटना नौकरी के लिए आया और दो महीने के बाद पुनः देवघर जाकर अपने प्रिय के आश्रम का दर्शन किया। ठाकुर जी वह बड़मा नहीं थे, शिशी बड़दा थे। मैं उन्हें कुछ व्यतीत देखा, परंतु ठाकुर जी की लीला अपरंपार थी, जो कि शिशी बड़दा की हिम्मत और शक्ति के कारण उन्होंने आश्रम और सत्संग की काया पलट दी। मैं शादी के दो महीने बाद ही आश्रम के प्रभाव से निरामिस हो गया। 1972 में मैं अपने ऋत्विक देवता श्री गोपेंद्र मलिक द्वारा स्वस्तैनी व्रत ग्रहण किया। 1973 में पटना में रहकर नौकरी ढूंढने और ठाकुर जी के सत्संग केंद्र में रहकर उनकी भावधारा के प्रचार प्रसार में जुट गया। मैं सत्संग केंद्र राजेंद्र नगर में रहता था। उस समय पटना में मंदिर नहीं बना था। 1974 में देवघर से दिल्ली चला गया और वहाँ भी ठाकुर जी के सत्संग में नियमित जाया करता था। उस समय दिल्ली में मंदिर नहीं बना था। मैं 1975 में अपने गांव सिंहेश्वर आ गया। मेरी इच्छा व दृढ़ विश्वास था कि अगर मैं अक्टूबर वाले कॉन्फ्रेंस में देवघर आश्रम जाऊंगा तो कहीं न कहीं नौकरी अवश्य लग जाएगी। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। मैंने अपनी एग्रीकल्चर वाले कार्ड द्वारा बचत खाते से 900 रुपये निकाल कर देवघर चला गया। वहाँ जाकर मैंने भिक्षाटन की और अपनी भूल स्वीकार कर नियमित रूप से इष्टवृत्ति करने लगा। देवघर से ट्रेन से घर आते ही मुझे पता चला कि सेंसस रिट्रेंसमेंट के आधार पर पटना में PhD में नौकरी लगने वाला है। गांव आने पर मुझे अपने बड़े साले जी का पत्र प्राप्त हुआ, जो कि धनपुरी कोल माइंस स्कूल का था। हमारे माता पिता की आज्ञा से मैं धनपुरी में RC स्कूल में दिनांक 17/11/1975 को शिक्षक के पद पर ज्वाइन किया और तब से मध्य प्रदेश में रहने लगा।
बात सन 1977 की है। मैं इष्टवृत्ति भेजने के लिए डाक खाने अमलाई मध्य प्रदेश गया था। उस समय कुछ शिक्षक लोग आपस में बीएड के लिए बात कर रहे थे। ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। मैं बीएड पास हो गया। रिजल्ट आने के पहले ही मेरे साथी शिक्षक ने मुझे नेपानगर भारत सरकार के फैक्ट्री के स्कूल में शिक्षक की वैकेंसी बताई और मुझे जोर देकर अप्लाई करवाया। मेरा इंटरव्यू हुआ और परम पिता के आशीर्वाद से मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। 8/10/1979 को मैं नेपानगर स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ आवास व अस्पताल की निःशुल्क सुविधा थी। मेरे चारों बेटे वहाँ से अच्छे रिजल्ट से उत्तीर्ण होकर उच्च माध्यमिक पास किए और इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। पुनः मैं अपने नौकरी बीआरएस लेकर 2002 में इंदौर आ गया। बच्चे लोग इंदौर में ही अध्ययन और नौकरी ढूंढ रहे थे। मैं इन्हें ठाकुर जी के सत्संग में लाने के लिए किराए का मकान लिया और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर सत्संग आया करता था। मेरे भक्तिभाव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने मुझे सत्संग केंद्र के पास ही मकान दिलवा दिए। मैं और मेरा परिवार नियमित रूप से सत्संग का आयोजन व सत्संग करने लगा। आज मेरे परिवार में सभी 10 सदस्य दीक्षित हैं। 5 सदस्य स्वस्तैनी व्रत ग्रहण किए हैं और मेरा छोटा बेटा डॉक्टर मलयज दास सह प्रतिऋतिक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ठाकुर जी की वाणी सत्यानुसरण में है कि सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ कि तुम्हें अपने उन्नयन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर, 7 जून 2013, पेज संख्या 35, 36 और 37 से। जय गुरु।